नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum. Welcome to Nayi Subah Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course. Mera naam hai Sabah Ghazali aur aaj ka hamara lesson hai Writing a Letter. Letter dono hi tarike se likha jata hai, informal aur formal. Informal letter hum family, friends aur un logo ko likhte hain jinhe hum jante hain, jabki formal letter mein hum apna koi bhi masla ujagar karte hain या फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी स्टडीज, हमारे करियर और ज़िंदगी के दीगर शोबों में काम आता है। आज के लेसन में हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछले ज़माने में लोग अपने दोस्तों और अपने अहबाब को खतूत के ज़रिए ही कोई भी इतला भेजा करते थे और इनसे रابطہ किया करते थे, क्योंकि ये गुफ्तगू का एक वाहिद जरिया था। जबकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें हम मैसेज या ईमेल को भी इलेक्ट्रॉनिक लेटर तसव्वुर कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट की बात करें तो उसमें जो हमारा शुरू का मवाद है, जैसे कि हमारी डेट आती है और उस शख्स का नाम आता है, उस मुखातिब का नाम आता है जिसे हम वो लेटर भेजना चाहते हैं, और उसके अलावा पता आता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेटर, जैसे कि डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर मदर, और उसके बाद हम उनको ग्रीटिंग्स देते हैं और फिर पैराग्राफ में लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि होपफुली यू आर डूइंग वेल, यानी कि मुझे आपकी खैरियत नेक मतलूब है, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद जो भी हमारा पर्पस है, जैसे कि हम उनको अपने हालात से आगाह करना चाहते हैं या हम किसी बात पे उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, वो तमाम बातें हम उनको लिख सकते हैं। जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि दूसरे के एग्ज़ाम्स हुए या नहीं हुए, या आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप इस लेटर में लिख सकते हैं, और ये तमाम बातें आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि डियर फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम, होपफुली यू आर वेल, आई वॉज रियली मिसिंग यू फॉर द लास्ट टू डेज एंड वॉज थिंकिंग अबाउट यू। इस तरह से करके आप उनको लिख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप उनको याद कर रहे थे और आप उनके बारे में सोच रहे थे। इसके बाद आप उनको लिख सकते हैं, These days I am quite busy in my papers. जैसे कि इन दिनों मैं अपने एग्जाम्स में बहुत मसरूफ हूँ, but I will be finished with my exams this month. लेकिन मैं इन एग्जाम्स से या इन इम्तिहानात से इस माह में ही फारिग हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आकर आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और ये बात कह सकते हैं, इन द नेक्स्ट लेटर I will be expecting that you will tell me about your schedule and your plan to come to my city. यानी कि आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि आप अपने अगले खत में मुझे इस बात से आगाह करेंगे कि आपका शेड्यूल आजकल क्या है और आपका मेरे शहर आने का प्लान है या नहीं, या आपका इस हवाले से क्या लाहे अमल होगा, वो आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मजीद बातें जो भी आपने कहनी हो वो कहने के बाद आखिर में उनको और उनकी फैमिली को नेक तमन्नाएं देते हुए अपने लेटर का इख्तिताम करेंगे, जैसे कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली एज वेल, योर बिलवड फ्रेंड सबा। तो इस तरह से आप अपना लेटर कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि हम उर्दू में लिखते हैं कि फ़कत आपकी दोस्त या आपकी प्यारी दोस्त, या इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसी तरह से जब हम अंग्रेज़ी ज़बान में लिखते हैं तो हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये ज़माना वैसे इस तरह का नहीं है कि हम
इस तरह के इनफॉर्मल लेटर्स लिखा करें, लेकिन चूंकि अभी भी बोर्ड में कभी कभी हमें इस तरह के लेटर्स देखने को मिलते हैं और हमारे सिलेबस पे शामिल होते हैं, तो हमें सीखने पड़ते हैं। और वैसे भी जब हम रिटन स्टफ़ की बात करते हैं या लेटर के प्रॉपर फॉर्मेट की बात करते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।